नमस्ते दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे जोमैटो शेयर्स के बारे में। बहुत लोगों ने आईपीओ के टाइम पे शेयर्स लिया हुआ है, काफी हाई रेट पे लिया हुआ है, 100 रुपीज के आसपास लिया हुआ है, लेकिन अभी काफी समय से जोमैटो करेक्शन में है तो बहुत लोग हाई लेवल पे फंसे हुए हैं। तो मुझे क्वेरी आया था कि इसमें क्या करना है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। कंप्लीट जोमैटो शेयर्स का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, इसका बाइंग प्राइस जानेंगे लास्ट में, और टारगेट भी मालूम करेंगे कितना टारगेट है या टारगेट नहीं होगा, वेल्थ क्रिएट करेगा या वेल्थ डिस्ट्रॉयर है, ये हम सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो इसके पहले शेयर्स का एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद हम वन टू वन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो पहले हम फंडामेंटल यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। तो ये जो है जोमैटो कंप्लीट जो है कुछ 46,000 करोड़ की मार्केट शेयर की कंपनी है, जो कि एक स्मॉल कैप की कंपनी है। इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन अभी निगेटिव में है, -37 है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो -25 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 का है जो कि कम है। ईपीएस भी अभी बहुत कम है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारा चीज जो है मेन फंडामेंटल्स अभी बहुत अच्छे नहीं है। चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं, तो चार्ट जब से आईपीओ आया है तो तभी ये कुछ इसका लिस्टिंग हुआ था कुछ 100 रुपीज के आसपास में, और उसके बाद ये कुछ 130 या 125 के आसपास ये रैली किया था। उसके बाद से करीब 2 साल से स्टॉक करेक्शन में है और ये 44 के रेंज पे गया था, उसके बाद अभी 55 के आसपास आया है स्टॉक। करंट जो है 54 के रेंज में बाई कर रहा है। यहाँ पे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो डीआईआई के पास 55% का शेयर है। मेन शेयर होल्डर जो है डीआईआई है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे इंश्योरेंस के पास शेयर्स है, म्यूचुअल फंड एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल भी के पास भी इनका होल्डिंग है। स्टॉक का रिटर्न देख लेते हैं, तो जब से स्टॉक डेब्यूट हुआ है इसका कुछ पॉजिटिव रिटर्न नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 वीक का रिटर्न, 1 मंथ का रिटर्न 4% है, 3 मंथ का -13% है, 6 मंथ का, 1 ईयर का -30% है। तो यहाँ पे कुछ खास रिटर्न नहीं है, रिटर्न जो है अभी निगेटिव में है। कंपनी क्या बिजनेस करती है? कंपनी एक फूड डिलीवरी सिस्टम का, इनका मेन बिजनेस जो है फूड डिलीवरी सिस्टम है यहाँ पे, जो कि एक ऑनलाइन सर्विस है इनका। और ये जो है करीब अभी December 31, 2020 में ये इस्टेब्लिश हुआ था कुछ। अभी इसका 23 कंट्रीज में इसका बिजनेस है और करीब 1,31,000 एक्टिव डिलीवरी रेस्टोरेंट है एंड 161,000 इनके पार्टनर्स हैं। और अभी जो है इनका फूड ऑर्डर जो मिलता है करीब 10 to 11 million कस्टमर्स इनके, मतलब इनका फूड डिलीवरी सिस्टम और इनका ऑर्डर मतलब मंथली आता है, इसके एवरेज में इनका ऑर्डर आता है। स्टॉक का जो है देखते हैं यहाँ पे 52 वीक का हाई लो, तो 88 पे 52 वीक का हाई पे स्टॉक गया था, 40 के रेंज में स्टॉक ने लो लगाया था। कंपनी जोमैटो इसका करंट मार्केट प्राइस 54 है और ये एक ई रिटेल सेक्टर की कंपनी है। तो दोस्तों अभी सवाल ये उठता है कि ये लॉन्ग टर्म में क्या ये स्टॉक वेल्थ क्रिएट करके देगा कि नहीं देगा। तो डेफिनेटली ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है। अभी कंपनी का जो है प्रॉफिट नहीं है, अभी कंपनी सेल्स कर रही है लेकिन इनका बिजनेस प्रॉफिट में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है, इसके वजह से ये अभी इनका ईपीएस नहीं बढ़ रहा है। ईपीएस नहीं बढ़ रहा है तो जिसकी वजह से कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही है, इनका मतलब ईपीएस नहीं बढ़ रहा है जिसकी वजह से वो इफेक्ट भाव में देखने को नहीं मिलता है, रेट में इनका रेट नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका टारगेट देख लेते हैं। तो टारगेट यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे अभी जो दिख रहा है स्टॉक जब भी आईपीओ आया था कुछ 125-130 के आसपास ये रैली किया था, उसके बाद करेक्ट होके ये 44 के रेंज में आया था। अभी जो इसका सेल्स जिस हिसाब से बढ़ रहा है, सेल्स जैसे बढ़ रहा है उस हिसाब से हम लोगों ने टारगेट इसका एनालिसिस किया है, तो करीब 1 से 2 साल में, 1.5 से 2 साल में इसका टारगेट जो है 100 रुपीज है। और अभी ये 44 के रेंज में बाई करेक्ट हुआ था और इसके बाद जो है अभी करंट 54 के रेंज में ये अभी करंट मार्केट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका जो है अभी सेल्स तो बढ़ रहा है लेकिन कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है, उसके हिसाब से जैसे ही 1 से 2 साल में ये एक बार प्रॉफिट बढ़ा इसका तो ईपीएस बढ़ेगा, और जैसे ही ईपीएस बढ़ेगा वैसे ही इसका
वेट में इफेक्ट दिखेगा। तो इसका 1 से 2 साल में इसका टारगेट 100 रुपीज का इसका रखा गया है। तो दोस्तों ये जो मैंने बताया है ये मैंने स्टडी पर्पज के लिए बताया है। तो अभी अगर आपको बाइंग करना है तो आप बाइंग करके इसका रख सकते हो। अभी स्टॉक करेक्शन में है तो इसका 45 से 50 लेवल पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके देगा ही देगा। ये एक अच्छा स्टॉक है और इसका हाई डिमांड, बहुत ज्यादा डिमांड है फ्यूचर में आने वाले टाइम में, बहुत ज्यादा डिमांड है। तो ये लॉन्ग टर्म में आपको स्टॉक ये वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। तो अभी करेक्शन में है तो आप बाइंग करके रख सकते हैं। अभी आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद।